so welcome to celeb mode once again thank you for having me here okay so kya lag raha hai kaise big boss dekh rahe ho kitna follow kar rahe ho after eviction kya lag raha hai kya game chal raha hai um i'm not following big boss that much actually i'm traveling thoda so dekhne ka waqt nahi milta but kuch episodes filhal maine pichle you know काफी दिनों के i think i followed big boss since 4 5 days now regularly

ओके okay. uh, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे हमने सुना है कि आप कनेक्शन uh, वीक में निक्की को सपोर्ट करने जा रहे हो तो इसके बारे में जानना चाहेंगे uh, क्या ये सच्चाई है एक्चुअली आई वाज अप्रोच्ड बाय द चैनल आई वाज अप्रोच्ड टू एंटर द हाउस बट मेरा सॉन्ग कल मेरा एक सॉन्ग रिलीज हो रहा है इट्स कॉल्ड नखरे वाली विद रेड कार्पेट एंटरटेनमेंट एंड सारिगामा सो so, okay. मेरे गानों का डेट्स का जो कमिटमेंट था वो दिसंबर में एक्चुअली हो चुका था उस कारण से आई थिंक uh, मैं नहीं जा पाया घर में बिकॉज़ डेट्स uh, क्लैश हो गए एंड uh, मेरा वैलेंटाइनस के टाइम पे भी देयर इज अनदर सॉन्ग दैट्स कमिंग जरा जरा सो uh, mm -hmm. so, उसके चलते प्रमोशंस के लिए मुझे यहाँ पर होना पड़ेगा आई एम नॉट गोना बी अ पार्ट ऑफ द यू नो कनेक्शन वीक ओके इफ अगर कुछ ऐसा uh, not... होगा तो मैं आपको बता ओके okay. बट uh, अगर आपका यू you नो know, ये सब लाइनअप नहीं होते या ये शेड्यूल नहीं बना होता और आप घर में जाते होते तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी आप लेकर जाते घर में This time I wouldn't go with any strategy at all. Actually, last time भी मैं कभी strategy लेकर गया नहीं इस बार इस बार तो बिना कोई स्ट्रेस के जाता मजे करता खूब धमाल करता because uh, this time I wouldn't have to worry about nominations or alliances or you फ्रेंडशिप के बारे में सोचना नहीं पड़ता कौन किसके पीठ पीछे क्या बोल रहा है मेरे पीठ पीछे कौन क्या बोल रहा है ये सब की मुझे उतनी फिक्र रहती नहीं बिकॉज आई एम गोइंग एज अ गेस्ट ना तो बस वही दिमाग में रखकर जाता कि एक हफ्ते है एंटरटेन करना है मजे करने हैं एंड बस बाहर आ जाना है <laughs> ओके ओके जान पहले स्टार्टिंग से हमने देखा था आप यू नो निक्की के साथ ही खेल रहे थे काफी और उसके निक्की के बाहर आने के बाद उनकी मम्मी ने अभी जो एलिगेश लगाए हैं आप पर कि आपने फोर्सफुली उनको किस किया जिसकी वजह से यू you नो know, आपको वो दूर कर रही थी निक्की और दूर करने की वजह भी ये उन्होंने बताई है निक्की ने कि इसीलिए आपको दूर किया अदरवाइज आप उनसे बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते आप उनसे बहुत अटैच हो गए थे तो आपसे जानना चाहेंगे क्या निकी के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स थी जिसकी वजह से आप बहुत क्लोज हो जाते हैं उनसे घर में और ये एलिगेशन को आप किस तरह लेते हो आई थिंक निकीज मॉम सेड कि उन्होंने मुझे एलिगेशन नहीं आई थिंक आई सीन दैट इंटरव्यू आंटी ने ये बोला था कि निकी वॉज रॉन्ग ओवर देर उन्होंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया था दैट इज वॉट आंटी सेड की शी थॉट निकी वॉज रॉन्ग इन दैट यू नो जो okay. उन्होंने बोला Uh, आंटी ने बोला कि कुछ ज्यादा बोल दिया था निकी ने आई uh, सॉन्ड uh, रही बात अबाउटर वेरी गुड इन दर्स्ट वीक इट सेल्फ आई थिंक दूसरे या तीसरे दिन पर हमारी बातचीत वेरी गुड फ्रेंड इन द फर्स्ट वीक एंड देर वॉज एन अटैचमेंट विदी एज अ फ्रेंड बिकॉज उस घर में आप यू you नो know, पूरे टाइम बंद हो कुछ आ, लोगों hmm. के साथ तो आपको भी यू नो you know, ऐसे कोई चाहिए होते हैं जो आपकी बात सुने यू यू नो कैन अनवाइंड दिन के एंड पे बैठ के बात करो तो मेरे लिए <coughs> वो थी निकी फिर एजाज भाई भी थे पवित्रा भी थी शार्दुल था नैना थी तो निकी के साथ मेरा सबसे लॉन्ग टाइम का यू नो दे वॉज ए लॉन्ग ड्यूरेशन बिकॉज हम शुरुआत में ही दोस्त बन गए थे बट hmm. uh, रही बात अट्रैक्शन एंड एवरी आई डोंट थिंक सो It was was a a a very, I uh, I had a soft corner for her her and I was attached to her as a friend. इट so वॉजिप mm -hmm. में अगर आप ये सब चीजों को right, uh, एंगल को इतनी बड़ी बात नेशनल टीवी पर आप यू you नो know, किसी का किसी के कैरेक्टर पर जाकर इतना बड़ा एक एक्शन लगा देते हो आई mm. right, uh, because आपको अगर uh, किसी को दूर करना है तो देर आर अदर बेटर वेज अच्छे तरीके से भी आप बता सकते हो या कर सकते हो मगर जो रास्ता ने की आई थिंक दैट वाज नॉट राइट एंड थोड़ा उसके बाद ही आई थिंक वी वी सेपरेटेड वेज आफ्टर दैट मतलब बहुत बड़ी एक गैप आ गई हमारे दोस्ती में उसके बाद तो आई डोंट थिंक दैट उसका तरीका ऑफ मे बी डूइंग थिंग्स वॉज नॉट राइट बिकॉज आप नेशनल टेलीविजन पर इतनी बड़ी बात कह दो तो गलत होता है आपके यू नो निकलने के बाद वो तो बहुत रोई और इनफैक्ट उसने रिग्रेट भी किया उसकी हरकतों को और जब इफेक्शन के बाद वो बहार आई थी तब भी वो उनके देखे, कुछ रिग्रेट भी किया है उन्होंने तो इस बारे में आप क्या क्या उन्हें आप माफ करोगे फिर से आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे या फिर यू नो एज इट इज अभी जैसे हो के दूरिया ही रखना है वैसे ही रहना है See, uh... निकी ने जो भी uh, किया मेरे साथ शीडित नेशनल टेलीविजन इट वाज अ वेरी वेरी पब्लिसाइज्ड अफेयर बहुत ही यू नो पब्लिसिटी मिली इन चीजों को सो आई फील आई थिंक निकी अगर मुझे नेशनल टेलीविजन पर अपोलोजाइज करे तो आई विल बी फ्रेंड्स विथ और वेरी कॉड्यूल फ्रेंड्स पहले जैसी बात तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी ऑफकोर्स बिकॉज सम थिंग्स ब्रेक when you uh, आप इतना बड़ा accusation जब किसी पर लगाते हो तो आपको भी अपने words को थोड़ा you know wait करके measure करके बता बात करनी चाहिए and जो उन्होंने किया उसके बाद वैसी दोस्ती रखना I think मेरी तरफ से it will be difficult so if Nikki apologizes on national television or something I I don't mind just being uh, you know acquaintances and friends with her because वो पहले जैसी तो मतलब दोस्ती रह नहीं पाएगी because वो चुका है, है, uh, you know, so... okay. uh, you know, <coughs> पहले जैसे अभी तो निकी भी नहीं रही है। uh, जो दुश्मन थे वो दोस्त बन चुके हैं और uh, लोगों से जितना पसंद करते थे अब उन्हें उतना ही बदतमीज बोलते हैं तो इस बारे में आपको क्या कहना है एज इन मैं बोल रही हूँ रुबीना और अभिना से उन्होंने दोस्ती कर लिया है जिसकी वजह से राहुल और अली को शायद से प्रॉब्लम हो रही है तो दैट

बिकॉज ओरिजिनली जो शुरुआत में था वो काफी यू नो अनबन थी दोनों के mm -hmm. दोनों के बीच बट गेम के चलते आई डोंट नो इफ इट्स स्ट्रैटेजी या ये जेन्युन दोस्ती है आई फील जहाँ तक मैंने देखा है टीवी पर एंड ऑल uh, रूबीना कैर्स जेनुअनली फॉर निकी निकी आल्सो अच्छे से दोस्ती निभा रही है कहीं ना कहीं फील बट रही बात राहुल एन अली की राहुल की तो रूबीना से कभी से राहुल का छत्तीस का साथ अभिनव भाई के साथ भी कुछ हुआ झगड़ाटली राहुल एंड अली तो दूरिया ही बनाए रखेंगे मगर आए सौ काल के एपिसोड में अः की निकी ने राहुल के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया वो नॉमिनेशन में उन्होंने सेव कर दिया राहुल को समथिंग so yes. Nikki is playing her uh, game I guess I mean if she's playing a game with strategies and everything I think it's working for her but हाँ mm -hmm. रही बात बदतमीजी की तो ये track record तो Nikki ने शुरुआत से I think maintain किया हुआ है I think Nikki आ uh, कभी सोचकर नहीं बोलती वो बोलकर सोचती है and कभी-कभी yes. तो बोलकर सोचती भी नहीं है इस बात पर मैंने भी काफी बार उसको बोला है सलमान सर ने बोला है घर के हर एक सदस्य ने इसको, उस, उसे एक ना एक बार यू you नो know, हमने देखा है बोलते हुए कि यू नो आप थोड़ा अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिए बट अगर वो ये चीज नहीं कर पा रही आफ्टर सलमान सर एक्सप्लेनिंग टू हर एंड आफ्टर एवरी टेलिंग हर देन आई गेस बदतमीजी का टैग उन पर मतलब बिना कुछ सोचकर ही बिठाया रहेगा बिकॉज शुरुआत से जब तक हमने देखा है जहां से हमने देखा है शी माइट बी अ गुड पर्सन एंड अ गुड सोल एंड एवरी थिंग बट द प्रॉब विथ निकी इज हर स्पीच हर माउथ इज द प्रॉब्लम एंड वो अगर वो थोड़ा अपने कंट्रोल में रखे तो आई थिंक शी विल बी अ स्ट्रॉग कंटेंडर बट अगर वो कंट्रोल में नहीं ला पा रही है तो फिर आपको डांट खानी पड़ेगी सलमान सर से आई गेस ओके जान आपसे ये जानना चाहेंगे अभी फिलहाल uh, शो देखकर क्या लग रहा है टॉप थ्री में कौन हो सकता है टॉप थ्री में आई थिंक uh, मैंने ऐसा सुना है खबर आई है मुझे कि एजाज भाई वापस जा रहे हैं अंदर तो yes. so, अगर एजाज भाई वापस जा रहे तो मैं पहले उनका ही नाम लूंगा बिकॉज ही इज माय एल्डर ब्रदर एंड यू नो ऑलवेज आई हैव हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर आई लव एजाज भाई तो टॉप थ्री में डेफिनेटली मैं उनको देखना चाहूंगा उनके अलावा अगर किसी को देखूंगा आई आई थिंक फील इज 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 अ वेरी वेरी गुड गेम नाइसली शी ऑलवेज स्टैंडिंग अप फॉर जो भी सही है उसके लिए हमें हमारे माइंड में एक ऐसा इमेज बन गया रुबीना की कि नो जो सही चीज है उसके लिए वो खड़ी होती है सो आई थिंक रुबीना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एंड द थर्ड पर्सन जिनका नाम मैं लेना चाहता था पहले मगर पिछले एक हफ्ते का जो मैंने गेम देखा है उसके बाद मेरा थोड़ा आई फेल बैड अगर एक हफ्ते की पिछले एक हफ्ते को ना गिने तो राखी वुड बी माई थर्ड क्योंकि राखी बहुत अच्छा एंटरटेन कर रही थी सिर्फ अपने में जो यू नो ये अभिनव भाई के साथ जो मस्ती एंड यू नो एक लाइट फ्लेवर था एक बहुत एंटरटेनिंग फैक्टर था hmm. वो थोड़ा अगली हो गया है आई फील hmm. ये पिछले हफ्ते में सो so, uh, अगर पिछले हफ्ते को हम ना देखे तो आई थिंक थर्ड नेम आई वुड टेक वुड बी राखी ओके okay. uh, जान जैसे आपने घर में यू you नो know, वक्त बिताया है अभिनव के साथ और अभी अभिनव भाई भी आप बोलते हो आपसे हम जानना चाहेंगे क्या अभिनव ठरकी है ये बहुत ही गलत इल्जाम है एक्चुअली आई डोंट थिंक सो एट ऑल दैट इज जस्ट ओके ओके तो मैं आपको सुन फिर सुनकर क्लैरिफाई मुझे, मुझे सुनकर भी कुछ अजीब लग रहा है आई थिंक ये राखी ने आई थिंक अभिनव भाई को Uh, yes. इल्जाम लगाया होगा बट एक्चुअली आप देखेंगे तो ये घर में ना एक्चुअली में बहुत लोगों ने बहुत लोगों पर बहुत कुछ इल्जाम लगाए हैं। करेक्ट बट यू नो राखी के जिस तरह के वर्ड्स uh, हैं अभिनव के लिए या रुबीना के लिए कोई भी कंटेस्टेंट के लिए डू यू थिंक इट इज वर्थ आई डोंट थिंक इट्स वर्थ एनी अटेंशन टू बी ऑनेस्ट बिकॉज़ अभिनव भाई के साथ ये टर्म ट uh, करना भी मेरे को थोड़ा यू नो आई एम फीलिंग वियर्ड अबाउट इट बिकॉज देखिए रुबीना भाई के साथ मेरी ऑलवेज एक बहुत नॉर्मल इक्वेशन थी अनबन भी झगड़े भी हुए तो इट्स ऑलवेज बिन यू नो देर इज बिन अ वेरी डिसिप्लिन फाइटिंग दैट आई हैड विद देम एंड रुबीना को तो मैं मस्ती में भी एंड यू नो सीरियसली भी बोलता था कि यार बहुत बहुत इरिटेटिंग हो आप इरिटेटिंग हो तो वो सब मत्ती नजर रखते हुए भी अगर मैं देखूं तो ये वर्ड जो यूज किया राखी ने फॉर अभिनव भाई आई डोंट थिंक इट्स राइट आई डोंट थिंक राइट ओके बट यू नो इसी की वजह से रुबीना इतनी एग्रेशन में उनके ऊपर पानी फेंक देती है और आप no, भी आपको पता है कि शी आउट फ्रॉम टिकट टू फिनाले तो व्हाट डू यू थिंक यस शी इज आउट फ्रॉम टिकट टू फिनाले टास्क तो अब ये

वो लोग बहुत मेच्योरिटी से चीजों को हैंडल करते तो अगर रुबीना ने इतना बड़ा कदम एक्सट्रीम कदम उठाया मतलब राखी ने डेफिनेटली कुछ बहुत यू you know, नो यूज की होगी फॉर अभिनव भाई एंड रही बात टिकट टू तो फिनाले की तो मैंने तो मुझे ये पता नहीं था बट इफ दिस इज द केस देन इट्स डिसअपॉइंटिंग बिकॉज रुबीना अ मेरे हिसाब से रुबीना वॉज अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर एंड मैं तो रुबीना को काफी वक्त से फाइनल्स में देखते आ रहा हूँ uh, मतलब आई हैव बिन

मेरी बात तो होती रहती है एजाज भाई से पवित्रा से पीपी पीपी -पी के साथ तो आ, आप बिन आ, हाँ, हमने देखा आप आउटनिंग कर रहे हो और हाँ पीपी -पी, -पी या 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 पीपी -पी, शार्दुल मैं और नैना हम सब बाहर मिले एंड इट वाज अ फन टाइम एंड आई रियली वांट देम टू बी टुगेदर बिकॉज मैंने घर के अंदर भी मैं मेरे वजह से यू you नो know, पीपी एंड एजाज भाई की कहानी शुरू हुई थी एंड आई फील दैट दे आर वेरी गुड टुगेदर दे रियली अंडरस्टैंड इच अदर वो झगड़ा भी करते तो बहुत अच्छे लगते झगड़ा मतलब, you know, करते हुए अच्छा लगेगा मुझे आर वेरी कम्पेटेबल बहुत अच्छा, you know, um, बहुत अच्छा uh, you know, है दोनों का सो आई फील इफ दे गेट मैरिड

Before Jasmine बोले अली ने वो काम कर दिया है एंड ऑल्सो तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग एंड कम्पैटेबिलिटी है आपको क्या मिला और क्या खोया आपने बिग बॉस से मैंने कुछ नहीं खोया मैंने इतना कुछ पाया है की आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू दर टीम

कि यू you नो know, आपके काम को प्यार दिया जा रहा है, जा रहा है है सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बिग बिग बॉस एंड खोया तो कुछ कुछ भी नहीं बहुत कुछ पाया है मैंने नाइसली फॉर मी ओके जाते जाते फैंस को क्या कहना मैं, uh, मेरे सभी फैंस को थैंक यू कहना चाहूंगा आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया मुझे इतने ब्लेसिंग्स दिए इतना प्यार दिया आगे भी मेरे बहुत गाने आ रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू करें सपोर्ट करना एंड मैं आप लोगों को बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बहुत सारी अच्छी म्यूजिक लेकर एंटरटेन करना चाहूंगा सो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी एंड गिविंग मी योर लव ओके जान एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन जस्ट लास्ट अगर आपको एक दिन के लिए बिग बॉस बनाया जाए तो आप आ, क्या करेंगे मुझे एक दिन के लिए बिग बॉस बनाया जाए तो मैं घर के सारे सदस्यों के लिए कॉफी अलाउड कर दूंगा परमानेंटली क्योंकि oh, तो वो एक oh पर मैं बहुत तड़पा हूँ uh, मुझे बहुत जगह कॉफी चोरी करनी पड़ी राहुल के बैग से इसके बैग से उसके बैग से तो वो एक हेड है जो मैं किसी को नहीं देना चाहूंगा तो मैं कॉफी घर में जैसे चाय बनती है वैसे कॉफी अवेलेबल कर दूंगा परमानेंटली ताकि घर वालों को कॉफी पीकर फिर झगड़ा करने में और भी जोश आएगा ओके ओके थैंक थैंक यू यू सो मच जान ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सॉन्ग्स Thank you. Take care. Bye bye. To you. Bye.